मोहम्मद शायन पलंदरी वाला मुजफ्फर खान कैप्टन मुजफ्फर खान मुजफ्फर साहब कैप्टन ए तैन पैनी ने अच्छा। मोहम्मद शायन जड़े हैं तो वो पलंदरी साइड दे सन ये भी नाल सन साढ़े अच्छा, मुजफ्फर साहब शहीद होए सन इतने बरजाला ना कोट अगर सरियाम वास्ते मोहम्मद शायन साहब पार सन टाइम पोस्ट से ये उधर होने सन साढ़े नाल तो असं जिस दिन करण साहब अथवा मीटिंग कर रहे से सरिया पर हमला करने दी तो मुजफ्फर साहब उत्थे शहीद हो बिल्कुल ऐसा तरह खोर सी जिस तरह ये जगह है तो उन उन्होंने जाके तो बैठे हैं बमबारी शुरू की जिला दुश्मन ने तो कोई पता नहीं किस तरफ टुकड़ा आया तो उन्हें छाती ही लगा शहीद हो गए अवले करण साहब मैं तो ख़त्म हो गया बड़े रोए अखले मेरा सज्जा बाजू सी करण साहब ने क्योंकि बहुत दलेर आदमी से मुजाहिद से कैप्टन मुजफ्फर तो मोहम्मद शायन साहब जड़े तो पार होने सन टाइम पोस्ट है बनाने वाली बटालीयन दे विच फिर उन्होंने दूसरे दिन जनाजा वगैरह किया। करण साहब जी तो ऐसी शख्सियत सी जी कि बच्चा उन्होंने बीमार होया उत्थे उन्होंने कोट फोत होया अगे मास है उसकी गुसल दवा के जनाजा पढ़ के तो आखले में अल्लाह ने सपुर्द करी छोड़िया तो मैं नहीं जा सकना क्यों कि अगर दुश्मन की पता लग गया वो चला गया तो हो सकने पिछे हमला करा तो तबाही निकल जाए। मोहम्मद शायन साहब ये सन जी करण साहब नाल सन साढ़े ये असा इतने चमकर चंगपुर गठे हुए हैं फिर इतने नफरी बनाई नफरी बना के कंपनियां बना के तो फिर अगे एडवांस की है करण साहब तो मैं उन्होंने शुरू से 47 जिले इनकलाब शुरू होया उस वक्त मैं उन्होंने नाल सा मैं उधर जिले मैं आया रिलीज अंग्रेजों ने नौकरी चा तो फिर उन्हें मैं बुलाई किया साढ़े को हर वक्त मैं उन्होंने नाल रहन बॉडी गार्ड मेरे च सवैर रहा कोई नहीं होना कि भाई वो जाने सामने सामने तो हर आदमी डरने से अपनी जान हर आदमी प्यारी आखने के नहीं जी ए चीज़ है तो आने से नहीं मेरे वास्ते जो गोली नहीं बनी इतनी दलेर सन बच्चे छोटे छोटे 12-14 सालों ने बच्चे जड़े तो वो नाल अब वक्त है कि भाई ये जरा दौर है तक के हैरानगी इस नहीं अच्छा तो चंगपुर कड़ी जगह कट्ठे हुए सो चंगपुर नहीं है खास चंगपुर ग्राम अच्छा हाँ इतने इतने कट्ठे हुए फिर इतू गए अंगे कि इतने काफ़ी नफरी हो गई सी इतने साड़ी करीबन 100-150 आदमी इतू लै के तो फिर हर रोज़ हर बंदे इसने थोनों के रफलन दे सी फिर अगे ये शुरू थी स्टार्टिंग है डोबरियन की लड़ाई क्योंकि जिस वक्त इतने ऐसे न अपने किले पर इंदवानी कंपनी दो सन इतने ये सेंसियाँ आई वो भी इतने किले पर जमा की ने दूसरे दिन फिर आर्डर दिता ने कि करण साहब वास्ता कि भाई ये अपने घर में रहेंगे बाहर नहीं जा लगे इन्हें फिर करण रहमतुल्ला उल्ला कैप्टन से हो हूँ ब्रिगेडियर रिटायर होया जम्मू का रहने वाला उस नाल गलबात की ने फिर वो इतों जल्द इन्हें मूव किया तो असं चंद बंदे कोई 10-15 आदमी सन साढ़ा को उस वक्त उसने लैके तो अस चले गए इतने डुबरी गए जूने जूने है ना अगे उत्थे गए उतों फायर शायर किए तो सारे क्लोज हो गए डुबरियों पर फिर अजकल ब्रिगेडियर रिटायर होया मेजर नसरुल्ला सरिया थो आया से अमदाद लैके वह भी राती उत्थे उपर रहे फिर मुसलमानों की अलग किया ऑफिसरों की अंदर रोकया तो हिंदू जितने आसन कोई नस गए तो कोई असं खत्म किए उत्थे मुड़ के जिस वक्त आए वह किले पर दूसरा दिन हमला करना सी तो इतों राती नस के तो हिंदू तो चले गए ए वाया नार ते पलाका ए रस्ते च लोगों खत्म किया इन्हें अच्छा लड़ाई राती राती कोई एक बजे शुरू किया एक बजे राती तो कोई तफसील याद है किस तरह होया क्या कुछ है जी कोई तफसील याद नहीं किस तरह शुरू हुई क्या होया तुझे इन्हें के ऊपर जिस वक्त पहुंचे हैं ना असा गलबात पहले की मुसलमानों नाल फिर वह जो विच मुसलमान से ना उन्हें भी नाल मिलाया मिला के नाल तो जिते जिते पोर्स ने हिंदुआने लगे हुए उन्हें कि उत्थे खत्म किया ऑफिसर जितने भी ऐसे उन्होंने उन्हें कि अंदर रोके तो बूहे बंद करी छोड़े
फिर कोई चंद बंदे उन्हें चे मेरा ख्याल है कोई नस के निकले उस बाकी सब बसा खत्म किते। दूसरे दिन उतो रैफल लिया उन्होंने दिया फिर पार्टी बनाई। फिर मुजफ्फर साहब ने वाला किते तो करण साहब आख लिया कि मैं चलिया मैंने कह लिया चलो और पिंडी जने पिंडी गए उत्थे कायदे आजम साहब ने मिले हाँ मिल के तो रैफल उतो 500 रैफल सू मिलने अमनेशन दिता ने ये दे के तो जिस वक्त अस वापस आए तो इतला मिली कि भाई दुश्मन जरा आया तो मीरपुरों कोटली गया कोटली बलदेव सिंह से ना उन्होंने लीडर बड़ा वजीर तो ये कोटली ने अवाम कट के तो फिर वापस सरिया होकर तो चले गए नौशहरा जम्मू चले गए। फिर असं ये पिछा किया तो फिर अगर चले गए टाई तो अगर दरगुटी पैनी इस साइड पर चले गए। फिर कुछ अरसे तो बाद सरिया पर हमला किया ने करण साहब ने कराया तो सरिया कामयाब होए तो असं अगे नौशहरा चले गए बैरीपतन के कोल उत्थे करीबन एक साल रहे हैं। फिर दुश्मन ने पूरे डिब ने साड़ी सिर्फ 1300 नफरी सी तो पूरे डिब ने हमला किया दिन भाई और चले गए तो फिर अस उतों हट के तो सरिया पहुँची आए मुड़के फिर दरगुटी टाई टाई फिर पक्का परमानेंट इस वक्त तक टाई जरा तो पोस्ट बनया बॉर्डरलैंड करण साहब ने उत्थे जलसा किया उत्थे फिर बंदे सारे के आखे ने जो नौजवान सन उन्हें की कायल करके तो फिर अपने नाल रख के तो फिर अस जूने तक पहुँचे। फिर इस तरह करते रहे अगर बॉर्डर तक नौशहरे तक खरेटा भी गए हैं जी खरेटा ही गए खरेटा हाँ खरेटा भी ये टाई खरेटा अगे पार दरगुटी ना क्या सक कलरगाला फिर ब्रेसर मंजवाल अपना कहना सो इधर बरोटगाला ये सब पोस्ट जोड़े न तो इन्हें तो निकल के तो फिर दुश्मन की नौशहरा पहुँचाया तो नौशहरा फिर मुड़ी तो ताकत कोई नहीं साढ़े को क्योंकि नफरी थोड़ी सी अमनिशमी तो फिर मुड़ के तो वापस सरिया आया सरिया फिर पक्की बार्डर हो गई है साड़ी टाई पोस्ट रहे हैं क्योंकि असं पलाका इस वास्ते गए से कि जरा दुश्मन इतने किले च निकले तो गया सी ना राती हेल्ला तो अस सुबह उन्होंने पिछा किया पलाक तक पहुँचे तो अगर सिविलियन कह लगे कि सब खत्म करी छोड़े तो कोई नस के तो दरिया छाली मारी तो चले गए अगे पिछे पलाका तो फिर अस वापस मुड़के तो पहुँचे हैं। फिर नारा कोट पंजन बड़ा अरसा उत्थे रहे उत्थे काफ़ी सारे बंदे शहीद भी होने रहे ये पार है रंगबाज बलदार सी फिर इतने काफ़ी बंदे शहीद हुए सरदार जलाल शहीद होया बहुत सारे लोग जड़े उत्थे होने रहे क्योंकि हर रोज़ उसने काफ़ी नफरी सी तो असला भी ऐसी तो तोफखाने ने हवाई जहाज